श्रीवास्तव भूतपूर्व सैनिक, हम सभी भूतपूर्व सैनिक 70 भूतपूर्व सैनिक यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हम लोगों का जो है रिजल्ट विदर्भ में रखा हुआ है और अभी तक आयोग ने हम लोगों का फाइल विभाग को भी नहीं भेजा है और हम अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय से यह मांग करने आए हैं कि हमारी फाइलें विभाग को भेजी जाए, जिससे हम लोग जो कि 2942 हमारे वीडियो भाई जिनको जिला आवंटन हो गया है और अपने अपने ज़िले में जाकर ज्वाइन कर लिए और अभी हम लोगों की फाइलें यहीं पे आयोग में पड़ी हुई है और विभाग में नहीं भेजी जा रही है। आपने इसके खिलाफ मोर्चा खोला है, क्या कुछ कहना है? नहीं, हमने हमारा कोई मोर्चा नहीं है। हम सहानी भूतपूर्व आयोग के अध्यक्ष सचिव महोदय एवं हमारे मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार से नम्र निवेदन करते हैं, विनय पूर्वक सबने निवेदन करते हैं कि हमारे फाइलों को विभाग को भेजा जाए, जिससे हम भूतपूर्व सैनिक मानसिक आघात में हैं और हम लोग काफ़ी परेशान हैं। हम लोगों को परेशान किया जा रहा है, बार बार आयोग के चक्कर काट रहे हैं लेकिन कोई भी नहीं सुन रहा है। तो क्या कदम होगा भैया? हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ पे बैठे रहेंगे, ना हम लोग अन्न जल ग्रहण करेंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे, चाहे धूप बरसात। हम लोग ने जैसे देश की सेवा किया है, दुर्गम इलाकों में रहकर हमने अपने पूरे देश की सेवा किया है, अनेक परिस्थितियों विषम परिस्थितियों में रहते हुए, तो हम यहाँ पे सहानुभूतिपूर्वक शांतिपूर्वक हम यहाँ पे ना तो अन्न ग्रहण करेंगे न जल ग्रहण करेंगे जब तक हमारी आगे मांगे आयोग और सरकार को। मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारी फाइलें विभाग को जल्द से जल्द भेजी जाए।